पटना के गांधी मैदान स्थित बाबू सभागार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती पर शिक्षा विभाग द्वारा मेघा दिवस समारोह 2018 का आयोजन किया गया, जहां राज्य भर से आए बच्चों को पुरस्कार से नवाजा गया। 7 प्रदेश में 10 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी बेहतर कार्य के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं मंत्री जी ने बताया कि विगत वर्षों में बिहार की परीक्षा में एक फोटो कदाचार होते हुए वायरल हुआ था, जिससे देश भर में बिहार की छवि खराब हुई थी। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत एक्शन लिया था, जिसके परिणाम आज देखने को मिल रहा है और काफ़ी हद तक कदाचार पर रोक लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं को छात्रों जो छात्राओं के लिए है, जिसका जिक्र हमारे महाजन समाज के संबोधन में किया, और कुल मिलाकर हमें कहने की स्थिति में कि बिहार सरकार हर कीमत पर बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार चाहती है और चाहती है कि आप जो बता हो शिक्षा हो सभी को मिले। सरकारी विद्यालयों में खास करके जहाँ जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, यह हमारा प्रयास है। इस दिशा में हमारी पूरी परेशानियाँ होती थी, एक समय में ऐसा भी हुआ कुछ ही दिन पहले परीक्षा चल रही थी मैट्रिक की और उसमें एक फोटो वायरल हुआ था, खिड़की पर चढ़ते हुए छत पर चढ़ते हुए लोगों का, और कदाचार के लिए वो ऐसा काम कर रहे थे जिससे हमारे राज्य की बहुत बदनामी हुई। सब इसके अलावा सब ठीक है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम हर हालत में हर सूरत में हम कदाचार मुक्त परीक्षा बिहार में करेंगे, और इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं बीएसईबी के अध्यक्ष अनंत किशोर जी को, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके उसे चुनौती के रूप में दिया और इन्होंने जो मेहनत की जो प्रशंसनीय काम किया तो बिहार में ये साबित कर दिया कि यहाँ कदाचार मुक्त परीक्षा भी हो सकती है। नेशन 24 के लिए पटना से आफर निदा के साथ नीरज कुमार की रिपोर्ट।